कहते हैं गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को भी एक क्षण में भुला देता है। ये कहानी है एक वैज्ञानिक की। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिंडे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिंडे से कहता, कूदो। टिंडा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। वो वैज्ञानिक था, एक्सपेरिमेंट करना तो बनता ही था। उसने टिंडे की छलांग पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिंडे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिंडे की छलांग और भी कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिंडे की सारी टांग तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने कहा, कूदो, तो बेचारा टिंडा हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा, जब टिंडे की एक टांग तोड़ी गई तो थोड़ा बहरा हो गया, जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और भी बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। छलांग लगाना तो दूर की बात थी, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना, क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ भी नहीं आया। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिंडे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटित हो जाते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी हमें लगता है उनके बीच में गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर जिंदगी में पछताना नहीं चाहते हो, जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लो, हमेशा सोच समझकर निर्णय लो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।